तो क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ओप्पो F21 Pro। और भाई साहब, इसकी डिजाइनिंग आप देख पा रहे होंगे यार, मुझे काफी अच्छी लगती है। तो यार ये इसकी जो डिजाइनिंग है ना, उससे कई गुना ज्यादा इसके अंदर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हैं जो कि शायद आपको नहीं पता होंगे। अगर ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप अच्छी तरह से जान लेते हो, हाँ वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर अगर अच्छी तरह से समझ लेते हो तो आपका जो मोबाइल का चलाने का तरीका है काफी ज्यादा बदल जाएगा, काफी ज्यादा मजा आने लग जाएगा। हो सकता है आपके मतलब एक दो यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता होंगे, पर पूरी वीडियोज को देखना ध्यान से, क्योंकि काफी यूजफुल काफी अलग अलग तरीके की चीजें बताने वाला हूँ। तो अगर आपने ये है या खरीदने की सोच रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, बढ़ते हैं सबसे पहले यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर, जो कि काफी ज्यादा मजेदार होने वाले हैं। तो इसके लिए आपको जाना है सिंपली सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग्स के अंदर आने के बाद ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर जैसे कि नॉर्मल चीजें हैं, वॉलपेपर वगैरह, थीम्स वगैरह, पर ये देखिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है आपको, इसको ऑन कर लीजिए। आपके शायद अभी ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। और यहाँ पर देखिए जैसे कि आपकी डिस्प्ले मतलब बंद रहेगी, और ये दिखाता हूँ एक बार आपको, जैसे कि अभी आपकी डिस्प्ले बंद है, ये देखिए अभी आपको टाइम वगैरह शो होता रहेगा, पर आप यहाँ पे काफी चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि आपको ये रखना है, ये देखिए आप जैसे ही मतलब यहाँ पे करोगे, ये देखिए जिस भी कलर के अंदर करोगे, ये देखिए रेड करोगे तो ये देखिए अपनी मनपसंद की रंगोली बना सकते हो। और जैसे कि मैं इसको करके दिखाता हूँ एक बार, ये देखिए अप्लाई कर लेना, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखना अभी कुछ इस तरह की, ये देखिए जैसे हमने रंगोली बनाई थी पूरी वैसी की वैसी यहाँ पे शो हो रही है, और टाइम वगैरह सब कुछ शो हो रहा है, क्या नोटिफिकेशंस वगैरह हैं, मतलब स्क्रीन ऑफ रहेगी फिर भी आपको यहाँ पे शो होता रहेगा। और काफी सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाती है, देखिए आपका नाम या आपकी सेल्फी भी अगर कोई फोटो वगैरह है तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, और आप लड़की हो तो आपकी लड़की की तरह भी हो जाएगी, तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। और क्लॉक चाहिए तो काफी अच्छी अच्छी क्लॉक है, ये देखिए ये भी काफी अच्छा लगता है, मतलब ऐसे चलता ही रहता है, तो ये भी आप एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो। देखिए ये देख सकते हो यहाँ पे काफी अच्छी अच्छी चीजें इसके अंदर देखने को मिल जाती है आपके ओप्पो F21 Pro के अंदर। तो जो भी अच्छा लगता है यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। और वहां पर आप देखिए जैसे कि पावर शेविंग शेड्यूल ओल्ड, मतलब आपको कब कब ये दिखाना है, जैसे कि पावर शेविंग होगा तो ये आपके शो नहीं होगी, शेड्यूल्ड कर सकते हो, यानी कि आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हो कि कब आपको दिखाना है और कब आपको नहीं दिखाना है। और ऑल डे पे करोगे तो मतलब जब भी आपकी बैटरी कैसी भी हो ना हो या ऑल टाइम दिखाता रहेगा, तो आप अपनी मर्जी से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए इन्फो, जैसे कि आप किस किस चीज को यहाँ पे शो करना चाहते हो, यहाँ पे इन्फो पे जैसे कि टाइम, डेट, बैटरी, ये देखिए आपको जो भी यहाँ पे नहीं रखना है उनको हटा सकते हो, और जो रखना है वो यहाँ पर रख सकते हो अपनी मर्जी से। और यहीं पर अगर आप बैक जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे आइकन्स का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। आइकन्स के अंदर क्या है, जैसे कि आपके फेसबुक वगैरह, फोटोज वगैरह है, अभी नॉर्मल से है, अभी एक बार फोटो के ऊपर आपको देखते रहना है यहाँ पे, देखिए ये देखिए मटेरियल के अंदर करोगे यहाँ पे फोटोज, कैमरा पूरा शेप चेंज हो चुका है, और पेबल के अंदर करोगे ये देखिए पूरा अलग हो चुका है आपका मोबाइल। तो आप अपनी मर्जी से जो भी आपको अच्छा लगता है, डिफॉल्ट वाला अच्छा है तो आप ऐसे भी रख सकते हो। और ये जो आइकन्स है ना, ये आप इनकी साइज को बड़ा कर सकते हो, ये देखिए बड़े हो चुके हैं, और छोटा करना चाहो तो छोटे भी कर सकते हो। देखिए देखिए आप अपनी मर्जी से इन सभी को कस्टमाइज कर सकते हो, डिफॉल्ट रखना चाहो डिफॉल्ट रख सकते हो। और ये जो इनके नेम है, जैसे कि कैमरा, फोटोज वगैरह, आप नीचे नेम देख पा रहे होंगे, इनको भी आप बड़ा कर सकते हो अगर आपको सही से नहीं दिख पाते, ये देखिए बड़ा कर लीजिए, और छोटा भी कर सकते हो, ये देखिए जितना छोटा रखना है छोटा भी कर लीजिए। और अगर आपको यहाँ पे शो ही नहीं करना है तो यहाँ पे इसके ऊपर बंद कर दीजिए, देखिए अब कोई भी नाम वगैरह शो नहीं होगा। अब क्या है ना, आपको मतलब ऐसे शक्ल देख के पहचानना है कि भाई ये फेसबुक है तो फेसबुक के ऊपर क्लिक करना है, और वापस से नाम शो कराना है तो इसको ऑन कर लीजिए, वापस से नाम शो हो जाएंगे। और जब हम कस्टम के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए अब इनके आप शेप चेंज कर पाओगे, जैसे कि अभी कुछ इस तरह का शेप है तो ये देखिए कुछ इस तरह का शेप हो चुका है, ये देखिए आपको ऐसे रखना है या ऐसे रखना है, जो भी आपको पसंद आता है उसको यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। और जैसे कि यहाँ पे फोरग्राउंड है, मतलब जैसे कि अंदर फेसबुक के जो नेम्स है, जो लोगो है, उसको आप चेंज करना चाहते हो, देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए जैसे छोटा हो चुका है, ये देखिए बड़ा कर लेना है, जैसे भी रखना चाहते हो आप अपनी मर्जी से इन सभी को कस्टमाइज कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको बैक लेके चलता हूँ और भी कुछ चीजें दिखाता हूँ, जैसे कि क्विक सेटिंग्स का ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर, तो क्विक सेटिंग्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो अब क्या है ना, जैसे कि आपके जो वाईफाई वगैरह है ये राउंडेड शेप के अंदर है, ठीक है ना,
अब जैसे कि आप ऐसे करना चाहते हो या ऐसे करना चाहते हो, देखिए आपको जैसे भी रखना है ना, इनको रख लेना है। मतलब आपने जो भी करना है वो कर लीजिए, जो भी आपको शेप अच्छा लगता है उसको रख लेना है। और यहाँ पर अगर और बैग जाएंगे तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, कलर्स का ऑप्शन मिलता है, कलर्स के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे कि अभी आपके ग्रीन कलर है, यहाँ पर जब भी आप वाईफाई वगैरह को ऑन करते हो तो यहाँ पे ग्रीन कलर शो हो रहा होगा। तो यार ग्रीन कलर अगर आपका फेवरेट नहीं है, आप चाहते हो मुझे अलग कलर करना है, तो यहाँ पे कस्टम के ऊपर जाना है। जैसे कि मैं रेड करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए पूरा रेड हो चुका है। तो आपका जो फेवरेट कलर है, आपको जो कलर अच्छा लगता है ना, उस कलर को आपको कर लेना है, जो भी कलर आपको अच्छा लगता है। और अगर डिफॉल्ट यानी कि जैसा पहले था वैसा ही रखना है तो यहाँ पे डिफॉल्ट पे कर लीजिए, आपकी मर्जी, आप जैसा रखना चाहो वैसे रख सकते हो। और ये देखिए फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज, आपकी जो फॉन्ट है उसकी डिस्प्ले साइज है वो आप बढ़ा सकते हो। देखिए फॉन्ट साइज है, फॉन्ट की आपकी साइज जितनी बड़ी करनी है बड़ी कर सकते हो, छोटी करनी चाहते हो तो छोटी भी कर सकते हो। देखिए जो आपकी मर्जी है वो उसको आप रख सकते हो। और जो आपकी डिस्प्ले की साइज है उसको भी आप बड़ी या छोटी कर सकते हो। देखिए डिस्प्ले की साइज को ऐसे बड़ी करनी है या छोटी करनी है, आप अपनी मर्जी से यहाँ पे जो भी अच्छा लगता है अप्लाई कर लेना है। और अगर यहीं पर बैग जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर दिखाता हूँ फिंगरप्रिंट एनिमेशन, और जो इसके अंदर फिंगरप्रिंट के एनिमेशन मिलते हैं भाई साहब कितने खतरनाक। ये देखिए आप जब भी फिंगरप्रिंट लगाओगे तो ये देखिए कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। ये देखिए आपको जो अच्छा लगता है ना, सच कह रहा हूँ, वो कर लेना है, जो भी आपको फेवरेट है जो भी आपको पसंद आता है उसको यहाँ पे कर लेना है। ये देखिए ये भी काफी अच्छा है, जो भी आपको अच्छा लगता है उसको यहाँ पे रख लेना है। तो ये भी काफी अच्छा फीचर देखने को मिल जाता है। पर यहाँ पर देखिए एज लाइटिंग का ऑप्शन मिलता है, इसी फिंगरप्रिंट के जस्ट नीचे आपको दिख रहा होगा एज लाइटिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब क्या है ना, जैसे कि आपके कोई नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, तो यहाँ पे लाइट शो होगी। देखिए रेड लाइट करनी है, येलो लाइट करनी है, ब्लू लाइट, जो भी आप लाइट करोगे यहाँ पे लाइट हो जाएगी। अगर आपके कोई भी मैसेजेस वगैरह आता है तो कुछ इस तरह की लाइट देखने को मिलेगी, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सी लगती है। और अगर यहीं पर बैग जाएंगे तो ये देख सकते हो ब्रीथिंग लाइट, ये काफी ज्यादा यूजफुल है। और आपको पता होगा आपका जो मोबाइल है अब 21 प्रो, इसके अंदर ये लाइट खास तौर से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको पता होगा। तो इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ब्रीथिंग लाइट के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है, और अगर आपके ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है, ठीक है, अगर आपके कुछ इस तरह से तो ऑन कर लेना है। और यहाँ पे टाइम है कि आपको किस टाइम से ये मतलब ऑन रखनी है ऑफ रखनी है, वो आपकी मर्जी है, आप टाइम लगा सकते हो। और ये देखिए अलवेज ऑन वाइल चार्जिंग, यानी कि आप जब चार्ज लगाओगे तब एवरी टाइम, मतलब जब भी चार्ज लगाओगे ये लाइट आपकी ऑन हो जाएगी। और अगर मैं दिखाऊं आपको, जैसे कि यहाँ पे क्विकली ब्लिंक फॉर इनकमिंग कॉल्स, यानी कि जब भी आपके पास कोई कॉल आएगी ना तो ये लाइट ब्लिंक करने लग जाएगी जल्दी जल्दी से। अगर आप चाहते हो उसको बंद करना है तो बंद भी यहाँ से कर सकते हो, देखिए ऐसे बंद करना चाहो। और यहाँ पे देखिए स्लोली ब्लिंक फॉर नोटिफिकेशन, अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन आता है तो स्लोली स्लोली वो ब्लिंक करने लग जाएगी आपकी जो पीछे की लाइट है। और यहाँ पर आप किस किस एप्स को यहाँ पे नोटिफिकेशन के लिए मतलब ये लाइट ऑन करना चाहते हो वो भी अपनी मर्जी से कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे फोन और मैसेजेस के लिए कर रखा है, तो आपका जो भी ऐप, मतलब आप स्नैपचैट वगैरह, फेसबुक वगैरह, कहीं से भी आपको करना है तो उस ऐप को यहाँ पे ऑन कर लेना है। और उस ऐप के अंदर जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो वो लाइट आपकी जो है ब्लिंक करने लग जाएगी, जो कि काफी अलग लगती है कहीं भी आप बाहर अपने दोस्तों के वगैरह के साथ बैठे रहते हो। और ये देखिए गेम लॉन्चेस वगैरह, तो आप अपनी मर्जी से इन सभी को कस्टमाइज कर सकते हो और यहाँ से ऑन कर लीजिए, ये लाइट काफी अच्छी लगती है। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, अब मैं आपको इसके अंदर एक कैमरे के अंदर जो माइक्रोस्कोप का आपको ऑप्शन मिलता है, आपको पता होगा अब 21 प्रो खास तौर से जो फेमस है मोबाइल फोन वो इस माइक्रोस्कोप से ही है, जो माइक्रो लेंस है इसके अंदर। वो क्या है मैं कैमरा के अंदर दिखाता हूँ आपको। जैसे कि आप यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मोर के ऊपर जाना है, ये मोर है ना यहाँ पे, और माइक्रोस्कोप के ऊपर जाना है, ठीक है ना। अब यहाँ से आपका जो इतना जूम कर सकता है, ये देखिए माइक्रोस्कोप, ये अंदर से दिखाता हूँ, ये देखिए आपकी पूरी डिटेल दे देता है टेबल वगैरह की, ये देखिए कि अंदर कैसा है। और एक बार मैं दिखाता हूँ, जैसे कि ये मोबाइल है, ठीक है ना, ये मोबाइल आप देख पा रहे होंगे। और अब इस मोबाइल के अंदर आप देखोगे, ये देखिए अंदर से किस तरह का, ये देख सकते हो आप, ये देखिए कितना जल्दी फोकस कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे, देखिए अंदर से कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। और यहाँ पे इसका वीडियो भी आप बना सकते हो, यहाँ से इसके ऊपर प्रेस करके रखोगे तो वीडियो बन जाएगा, आप किसी भी चीज को माइक्रोस्कोप से देख सकते हो पास में से, जैसे कि मेरी ये वॉच है, ठीक है ना। अब मैं वॉच को यहाँ पे पास में लेके जाता हूँ, ये देखिए, ओ माई गॉड कितना खतरनाक, मतलब जो स्क्रेचेस वगैरह है वॉच के आप देख सकते हो कितने खतरनाक दिख रहे हैं एकदम। तो यहाँ पे ये काफी अच्छा यूजफुल फीचर मिल जाता है आपके अपने मोबाइल के अंदर अफ 21 प्रो के अंदर। तो एक बार आप जाकर जरूर ट्राई कर सकते हो, किसी भी चीज के यहाँ पे पास में लेके जाओगे तो काफी अच्छी तरह से आप इसके अंदर देख पाओगे माइक्रोस्कोप के कारण। तो ये भी काफी अच्छा फीचर है, अगर आप इसको कभी ट्राई करो तो जरूर ट्राई करना।
तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, अब मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही यूजफुल चीज जो आपके लिए यूजफुल हो सकती है। जैसे कि आप चाहते हो कि मुझे यहाँ पे बैटरी के परसेंटेज वगैरह शो करने हैं, इंटरनेट की स्पीड वगैरह शो करनी है, और इससे भी ज्यादा अच्छी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि आप चाहते हो कि मुझे नोटिफिकेशन मतलब जो हिस्ट्री है उसका पता होना चाहिए। यानी कि आप यहाँ से कुछ भी नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं आप यहाँ से इजिली क्लियर कर देते हो, पर क्या आपको पता है आपके क्लियर करने के बाद वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाती है। पर आप चाहते हो कि मुझे मतलब एक महीने के बाद भी अगर मैं जाकर डिटेल देखूं कि मेरे पास किसका नोटिफिकेशन आया था, व्हाट्सएप, फेसबुक, कहीं से भी इंस्टाग्राम, या किसने मुझे फोन पे किया था, किसका क्या मैसेज आया था, पूरी डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगी। तो ये सब कैसे होगा, जैसे कि मैं दिखाता हूं, सेटिंग्स के अंदर जाना है और ये देखिए नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार आप देख पा रहे हो, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे स्टेटस बार पे दिखाता हूँ पहले तो मैं आपको, जैसे कि आपकी बैटरी के परसेंटेज है, ये देखिए आपको बैटरी के परसेंटेज यहाँ पे बैटरी के जो यहाँ पे आइकन है इसके बाहर रखना है या आपको अंदर रखना है, ये अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हो। और बैटरी का स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो, देखिए वर्टिकल करना है, लूप करना है, ये लूप वाला काफी अच्छा लग रहा है, ये देख सकते हो आप। तो आपको जो अच्छा लगता है वो यहाँ पे कर लेना है, जो भी आपको अच्छा लगता है। और यहाँ पे ऊपर ऑप्शन मिलता है ये देखिए नोटिफिकेशन आइकन्स का, यानी कि आपके ऊपर जो भी मतलब नोटिफिकेशन आए हुए रहेंगे उनका लोगो यहाँ पर शो होता है ऊपर देखिए। पर आप चाहते हो नंबर्स के अंदर शो हो, ये देखिए जैसे चार नोटिफिकेशन आए हुए हैं तो चार नंबर शो होने लग जाएंगे। तो आपकी अपनी मर्जी है, अगर आप नोटिफिकेशन नंबर जानना चाहते हो या आइकन्स देखना चाहते हो ऊपर, तो वो अपनी मर्जी से आप यहाँ पर कर सकते हो। और यहाँ पर एक चीज और बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे रियल टाइम नेटवर्क स्पीड है, इसका क्या मतलब है, जैसे कि आप इंटरनेट चला रहे हो ठीक है ना, इसको ऑन कर लेना है। अब अगर आप इंटरनेट चला रहे हो और कितनी MB पर सेकंड इंटरनेट चला रहे हो वो यहाँ पर शो होता रहेगा ऊपर, यानी कि कुछ भी डाउनलोड करते हो या कुछ भी YouTube वीडियोस देखते हो तो यहाँ पे ऊपर शो होता रहेगा कि कितनी MB पर सेकंड आपके इंटरनेट की स्पीड चल रही है। अब आपको सिंपली यहाँ पे बैक जाना है और बैक जाने के बाद ये देखिए मोर सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, मोर सेटिंग्स के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और ये देखिए सबसे नीचे नोटिफिकेशन हिस्ट्री, इसको यहाँ पे ऑन कर लेना है। एक बार इसको ऑन करना पड़ेगा, ऑन करने के बाद जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से मैं क्लियर करता हूँ ठीक है। अब क्लियर कर दीजिए कि जैसे कोई नोटिफिकेशन था ऊपर जो 10 बैटरी का, वो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये देखिए नोटिफिकेशन, आप कुछ भी क्लियर करोगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि ये देखिए टाइम वगैरह, ये कहाँ से किस ऐप का नोटिफिकेशन है, पूरी डिटेल में आप एक महीने के बाद भी आकर देखोगे तो आपको दिख जाएगा। तो ये काफी ज्यादा यूजफुल ऐप है, इसके लिए यहाँ पे वीडियो को लाइक तो बनता ही है। तो चलिए अब मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ कि आप अपने मोबाइल के अंदर कुछ भी फोटोज वीडियोज वगैरह छिपाना चाहते हो या किसी ऐप के लॉक लगाना चाहते हो या किसी ऐप को आपको हाइड करना है, तो ये सब आप अपने मोबाइल के अंदर किसी बिना ऐप के डाउनलोड किए आप कैसे कर सकते हो। इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर, वो नीचे जाना है और ये देख लिए पा रहे होंगे यहाँ पे प्राइवेसी का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। और ये देखिए ऐप लॉक, ऐप लॉक के ऊपर जब क्लिक करोगे एक बार आपके ऐसे आएगा, फिर यहाँ पे लॉक लगा लेना, ये देखिए आपको जो भी लॉक याद रहता है वो लॉक लगा लेना है। और ये इससे क्या होगा, आप किसी भी ऐप के लॉक लगा पाओगे, तो आप कुछ भी लॉक लगा के यहाँ पे किसी भी ऐप के लॉक लगा सकते हो। और ये देखिए हाइड ऐप्स, इसके अंदर क्लिक करने के बाद क्या होगा, आप किसी भी ऐप को हाइड कर सकते हो और आपको जो ऐप्स हिडन ऐप्स हैं उनको देखना है तो यहाँ पे हिडन ऐप्स के अंदर आना, ये देखिए यहाँ पे आप वो ऐप्स देख पाओगे। तो यहाँ पे भी काफी अच्छा ऑप्शन है, आपको किसी भी ऐप को हाइड करना है तो इजीली यहाँ से हाइड कर सकते हो। और ये देखिए प्राइवेट ऐप, इसके अंदर क्या यहाँ पे क्या करना है, एग्री कर लेना है और जो भी आपके पासवर्ड हैं याद रह सकते हैं वो पासवर्ड यहाँ पे लगा लेना है। और यहाँ पर आप कोई भी फोटोज वीडियोस कुछ भी छिपा सकते हो, जो भी आपको छिपाना है चाहे कैसा भी क्यों ना हो, फोटोज वीडियोस वगैरह तो यहाँ पे छिपा सकते हो, आपकी कोई भी प्राइवेसी लीक का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से पासवर्ड लगा के यहाँ पे अपने फोटोज वीडियोज वगैरह छिपा लेने हैं। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप चाहते हो कि मुझे एक साथ में दो एप्स को यूज करना है, यानी कि आप सोच रहे होंगे कि यार मुझे व्हाट्सएप पर चैटिंग करनी है और इंस्टाग्राम पर भी चैटिंग करनी है, यानी कि व्हाट्सएप पर तो किसी दोस्त का भी रिप्लाई देना है और इंस्टाग्राम पर किसी गर्लफ्रेंड वगैरह या किसी से भी अगर आप चैटिंग करना चाहते हो, और यानी कि मेन मकसद जो है दो एप्स को एक साथ में आप कैसे चला सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे डायलर पे जाना है, एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, तो आपको ऐसे थ्री फिंगर से ऊपर लेके जाना है ठीक है। अब जैसे कि मैसेजेस को ओपन कर लेता हूँ, अब यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पे इसको भी चला सकते हो, इसको चलाना है ये देखिए, और मैसेजेस को चलाना चाहो तो यहाँ पे मैसेजेस को भी चला सकते हो, और आप इनको बड़ा छोटा भी कर सकते हो। जैसे कि मैं डायलर को यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ठीक है, ये देखिए डायलर बड़ा हो चुका है, मैसेज वाले को बड़ा कर सकते हो, जो भी आपको करना है कर सकते हो, पूरा डायलर रखना है तो ऐसे करना है नीचे, ये देखिए पूरा डायलर आ चुका है। तो आप अपनी मर्जी से इन सभी को रख सकते हो और एक साथ में दो एप्स को चला सकते हो।
तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, अब मैं आपको बताता हूं कि आप ऐसे डबल टैप करते हो तो आपका मोबाइल ऑफ हो जाता है। मतलब आपने देखा होगा किसी दूसरों के मोबाइल के अंदर, वो डबल टैप करते हैं उनका मोबाइल ऑन हो जाता है। तो ये सब आपके मोबाइल के अंदर कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि स्क्रीन के ऊपर ऐसे टैप करके रखना है और यहाँ पे मोर के अंदर आपको चले जाना है और यहाँ पे सबसे नीचे जाना है, ठीक है। सबसे नीचे जाने के बाद ये देखिए रेस टू एक डबल टैप, इसको ऑन कर लेना है और ये देखिए डबल टैप टू लॉग, इनको यहाँ पे तीनों को आपको ऑन कर लेना है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए डबल टैप करोगे तो आपकी स्क्रीन ऑफ हो चुकी है और डबल टैप करोगे तो आपकी स्क्रीन ऑन हो चुकी है, देखिए काफ़ी आसानी से। और जो मैंने एक चीज़ और ऑन कराई थी रेस टू वेक, वो क्या है जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको। आपका मोबाइल ऐसे पड़ा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली ऐसे उठाना है, ठीक है। कुछ भी बटन वगैरह क्लिक करने की जरूरत नहीं, उठाती आपकी स्क्रीन जो है ऑन हो चुकी है। मतलब आप मोबाइल को उठाओगे और आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी, यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह देख पाओगे। तो आपको पावर बटन को बार बार दबाने की जरूरत नहीं रहेगी, आप इजीली यहाँ से एकदम मतलब आसानी से, काफ़ी अच्छा लगता है, यूनिक सा लगता है, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप चाहते हो कि ये जो नीचे के बटन्स हैं मुझे इनको हाइड करना है, क्योंकि यार इतनी अच्छी डिजाइनिंग मिल रही है, इतना मतलब पतला मोबाइल है, तो यार क्यों ना इन बटन्स को हटा के एकदम पूरा आईफोन की तरह बनाते हैं अपने मोबाइल को। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग्स के अंदर चले जाना है, ठीक है। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे जाना है और ये देख पा रहे हो कि सिस्टम सेटिंग्स, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। सिस्टम नेविगेशन के ऊपर जाना है और ये देखिए गेस्चर्स के ऊपर आपको क्लिक करने लेना है। यानी कि अब आप सोच रहे हो यार बटन ही हाइड हो जाएंगे तो हम चलाएंगे कैसे, तो यहाँ पे लर्न का ऑप्शन, यहाँ पे सीख भी सकते हो, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं। अब अगर बैक वगैरह जाना है तो आप इधर से करोगे तो बैक चला जाएगा, इधर से करोगे तो भी आपके बैक चला जाएगा, आप आसानी से बैक वगैरह जा सकते हो। और आप ऐसे करोगे तो यहाँ पे होम स्क्रीन पे आ जाएगा और ऐसे करके रखोगे तो जो आपके रेसेंट एप्स वगैरह हैं वो आपको शो हो जाएंगे। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए रेसेंट एप्स वगैरह शो हो जाएंगे। पर आप सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे नीचे लाइन जो है ये भी अच्छी नहीं लग रही है मुझे, तो आप इस लाइन को यहाँ पे हाइड भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, ये देखिए वो लाइन हाइड हो चुकी है। तो आप अपनी मर्जी से इन सभी को कस्टमाइज कर सकते हो और बटन वापस करने हैं तो बटन भी कर सकते हो। और अगर आप लेफ्ट हैंडी हो तो ये जो बैक बटन वगैरह है लेफ्ट हैंड के अंदर भी आप कर सकते हो। देखिए पूरी अच्छी तरह से आप सभी चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे भी आपको रखना है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, मैं समझ आता हूं, पर मैं आपको एक आखिरी का फीचर बता देता हूं। और भी काफी सारे फीचर्स मिलते हैं फिक्स प्रो के अंदर, अगर आपको और भी जानने हैं तो आप कमेंट कर देना, पर मैं आज के लिए बस आखिरी का फीचर बताता हूं जो कि आपके लिए यूजफुल होता है, वो है सेटिंग्स के अंदर ही। सेटिंग्स के अंदर ही आपको मिल जाता है डिजिटल वेलमिंग एंड पेरेंशियल कंट्रोल, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है, शो योर डाटा के ऊपर जाना है। और ये देखिए अभी मैंने 18 मिनट के लिए पूरे दिन में मोबाइल को यूज किया, ठीक है ना, और 6 बार अनलॉक किया। अनलॉक मतलब जैसे मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए मैंने मोबाइल को ऑफ किया और ये अनलॉक किया, ये देखिए 7 बार हो चुका है। और कितने नोटिफिकेशन आए वो भी यहाँ पे बता देगा। अभी मेरे पास कोई सिम वगैरह नहीं है मोबाइल के अंदर, तो यहाँ पे कुछ भी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं बताएगा, पर अगर आप अपने मोबाइल के अंदर जाकर देखोगे तो यहाँ पे पता नहीं कितनी बार अनलॉक किया और पता नहीं कितने घंटे तक अपने मोबाइल को आप यूज़ करते हो। और इसके ऊपर जब क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये भी बताएगा कि आपका जो कीमती समय है आप कहाँ पर बिता रहे हो। ये देखिए सेटिंग्स को दिया है मैंने, मतलब वो वाली सेटिंग को नहीं, मतलब मोबाइल की सेटिंग को टाइम दिया है 11 मिनट। तो आप जाकर देखिए कि आप कौन सी सेटिंग को टाइम कितना दे रहे हो और किस चीज को आप जो टाइम है वो दे रहे हो। और यहाँ पे एक महीने की डिटेल आपको मिल जाएगी, पूरे एक महीने की, आपने एक महीने के अंदर क्या क्या यूज किया है, कितनी बार अनलॉक किया है, मतलब पूरी डिटेल आपकी जो मोबाइल की है वो यहाँ पर मिल जाएगी। तो एक बार आप जाकर जरूर ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, आपको ये हिडन फीचर्स, ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, क्योंकि अभी तो आप 21 प्रो के बारे में बहुत कुछ लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।